हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अर चैनल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टार्ट करते हैं द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रिसिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रिसिस्टर आर गिवन बिलो हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है करंट और हमें दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जब हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं हमारे पास इतना करंट आता है जब इतना अप्लाई करते हैं तो इतना करंट आता है आप देख सकते हो हमें पता है यूजिंग ऑर्म स्लो V इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू I. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट आपका बढ़ेगा आप देख सकते हो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है राइट right? तो अब हमने क्या करना है हमें निकालना है हमें निकालना है रेसिस्टेंस तो हम सबसे पहले क्या यूज करने वाले हैं हम ये वैल्यूज प्लॉट करेंगे किसके ऊपर ग्राफ के ऊपर हमें पता है कि जब हम ऐसे ग्राफ बनाते थे ऑम स्लो का अगर यहाँ पर वी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ आपका करंट है तो ग्राफ आपका कैसे जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है जो हमें बताता है कि वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आई के प्रपोर्शन है तो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ तो यहाँ पर मैंने x एक्सेस पे ले लिया है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर y एक्सेस पे ले लिया है करंट दैट इज़ एम्पियर के अंदर तो यहाँ आप देख सकते हो जो बॉल्ट हैं वो कहाँ जा रही है वन पॉइंट सिक्स अप टू थर्टीन तक जा रही है और ये जा रही है अप टू फोर तक तो मैंने इनका किस तरह से लिया है वन वन का डिविज़न लिया है और वन टेन uh, का डिवीज़न लिया है और ये लेकर गई हूँ यहाँ फोर्टीन तक यहाँ लेकर गई हूँ फाइव तक तो अब एक एक पॉइंट देखते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहला है आपके पास अगर वोल्ट आपकी 1.6 है तो करंट है आपका 0.5. तो वोल्ट 1.6 एंड करंट 0.5. तो 1.6 क्या होगा 1.5 का एक आगे वाला पोर्शन ये हो गया 1.6 और करंट का हो गया 0.5. यानी कि ये इन दोनों का कहा जा रहा है ये चीज इधर मिलेगी ये यहां से ये यहां से ये हो गया ये वाला पॉइंट राइट नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं करंट है वन और पोटेंशियल डिफरेंस है थ्री पॉइंट फोर तो थ्री पॉइंट फोर डेट इस थ्री और थ्री पॉइंट फाइव बीचवाला हो गया इससे पहले वाला एक हो गया थ्री पॉइंट फोर और करंट है वन यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास राइट नेक्स्ट वोल्टेज सिक्स पॉइंट सेवन करंट टू तो सिक्स ये होता है फाइव नेक्स्ट टू पॉइंट हो जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन और वो होना चाहिए कितना टू तो टू सिक्स फाइव सिक्स सेवन तो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट करंट थ्री और वोल्टेज टेन पॉइंट टू तो ये टेन टेन पॉइंट टू इससे दो नेक्स्ट और ये होना चाहिए थ्री थ्री पर टेन पॉइंट वन एंड टू ये आगे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट एंड लास्ट फोर करंट और वोल्टेज थर्टीन पॉइंट टू तो थर्टीन पॉइंट टू और ये होना चाहिए फोर तो फोर थर्टीन पॉइंट टू तो थर्टीन पॉइंट वन एंड टू तो ये आगे आपके पास पॉइंट्स अब मैं क्या करने वाली हूँ इसको ज्वाइन कर दूंगी तो आप देख सकते होगे कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर लाइन आई है आपके पास हमें अब निकालना है रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस के लिए हम जाते हैं फिर से ऑम्स लॉ के पास ऑम्स लॉ क्या कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इक्वल्स टू आई आर आई आर का मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट तो यहाँ हम निकालने वाले हैं प्रॉपर वोल्टेज एंड प्रॉपर करंट टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हम देखेंगे ग्राफ में से ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पर सारे कॉर्डिनेट्स लिख दिए हैं अब ग्राफ के लिए टोटल वोल्टेज कितनी है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम वोल्टेज कितनी गई है ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ही बताई थी पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना था थर्टीन पॉइंट टू ये मैक्सिमम वोल्टेज थी बट स्टार्ट कहाँ से हुई थी स्टार्ट हुई थी आपकी यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 1.6 से स्टार्ट हुई थी तो यानी कि टोटल कितनी हुई 13.2 पॉइंट टू इतनी वोल्टेज आपकी चली है तो यहाँ पर हम वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे 13.2 पॉइंट टू माइनस वन डिवाइड बाई अब करंट की अगर हम चेक करें करंट में क्या है करंट मैक्सिमम कितना गया है यहाँ से यहाँ तक फोर ये फोर ही जा रहा है यहाँ से यहाँ तक फोर और कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये जीरो पॉइंट फाइव से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसको फोर में से माइनस करेंगे जीरो पॉइंट फाइव तो ये होगा आपके पास टोटल करंट इसको इसमें से माइनस करते हैं ये आएगा, आएगा आपका इलेवन पॉइंट सिक्स और इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा थ्री पॉइंट फाइव इसका पॉइंट हटाया टेन इसका पॉइंट हटाया टेन कैंसिल किया ये हो गया जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, आएगा आपके पास थ्री पॉइंट थ्री आप इसको थ्री पॉइंट थ्री ही लिख सकते हैं ये आ गया आपका चलिए अब करते हैं क्वेश्चन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अनोन रेसिस्टर देर इज अ करी in इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द of ऑफ द तो यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट यानी कि एक बैटरी है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है ट्वेल्व वोट वो किसके क्रॉस है एक अननोन रजिस्टर यानी कि आपको रेसिस्टेंस नहीं पता उस रजिस्टर का तो देर इज अ करंट करंट आपको दे रखा है कितना 2.5 पॉइंट मिली एम्पियर और आपको क्या निकालनी है रेसिस्टेंस की वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब आप में तीनों में से कोई दो वैल्यू दी हो और एक तीसरी निकालनी हो तो आप क्या अप्लाई करते हैं ऑर्म्स लॉ अप्लाई करते हैं क्या कहता है ऑर्म्स लॉ आपका वी इक्वल्स टू आई आर देयर बी इज पोटेंशियल डिफरेंस I इज़ करेंट एंड R इज रेजिस्टेंस बस यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है ये मिली एम्पियर है मिली एम्पियर के लिए एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करते हो टेन डेज टू पार माइनस थ्री से मल्टीप्लाई तो वो नॉर्मल एम्पियर में आ जाता है हम ऐसा करते क्यों है क्योंकि हमें पता है हमें रेसिस्टेंस किस में निकालना है ओम में निकालना है और वन ओम किसके इक्वल होता है वन वॉल्ट डिवाइड बाई वन एम्पियर तो यहां मिली तो नहीं है इसलिए हमें मिली हटाना पड़ेगा एम्पियर में लाना पड़ेगा तभी हम इस रेसिस्टेंस हमारा किस में निकलेगा ओम में निकलेगा वैल्यूज पुट करते हैं ये हो गया ट्वेल्व ये हो गया टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पार माइनस थ्री इंटू आर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड अब क्या करेंगे इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर टेन लग जाएगा और ये माइनस थ्री है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का थ्री टेन की पावर माइनस का प्लस का थ्री हो जाएगा अब नीचे क्या है ट्वेंटी फाइव इसको सोल्व करते हैं ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं फाइव टू तो ये हो गया आपके पास ट्वेंटी फोर इंटू टेन की पावर थ्री यानी कि थाउजेंड डिवाइड बाई क्या है फाइव है फाइव को इससे कैंसिल करते हैं क्या आएगा आपके पास टू जीरो जीरो अब ट्वेंटी फोर को टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा फोर्टी एट हंड्रेड ओम ये आ गया आपका क्या रेसिस्टेंस सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑनवर्ड क्वेश्चन थैंक यू